कोलकाता कांड का देश भर में असर। पैरामेडिकल स्टाफ और IMA ने भी इस हड़ताल का पार्ट बन गई। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स ने आज पूरी तरीके से OPD को ठप किया है। ये इंडेफिनाइट स्ट्राइक है, पैन इंडिया चल रही है। जब तक हमें नहीं लगता कि जस्टिस मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है, तब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी। मेन हमारा मुद्दा सड़कों पे उतरने का बस एक है कि सुरक्षा हर लड़की को, चाहे लड़की डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे टीचर हो, चाहे कुछ भी हो। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या, हड़ताल पर IMA। हम लोग कुछ मांगे ना करें, ये तो गलत फहमी है। केस की तरह नहीं देखना चाहिए कि मदर ऑफ डेथ इज अ डीप नेक्सस, तो उसको पूरा एक्सपोज करना चाहिए, सही इंक्वायरी होनी चाहिए। यूपी में डॉक्टरों की हड़ताल, मरीज बेहाल। यहाँ पर्चा नहीं कट रहा है, डॉक्टर्स जो है पेशेंट को नहीं देख रहे हैं और पेशेंट हमारा जो है बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। उत्तराखंड में भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। फिर दोबारा जा रहे हैं, फिर इसको फ्राइडे को बुलाया है। फेस करके उनको जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा दी जाए। डॉक्टरों की सुरक्षा की गुहार, सियासत अपार। यंग जूनियर डॉक्टर्स ये हमारे हाथ पैर हैं, वो लड़ रहे हैं, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, उनको जोश मिलेगा। और जो हमारी डिमांड है CPA की, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट और सेफ्टी एट द वर्क प्लेस, न्याय मिलना चाहिए। डॉक्टर लोग जो स्ट्राइक कर रहे हैं, पीछे नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। तो कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला अब देशव्यापी आंदोलन ले चुका है। देशव्यापी आंदोलन के रूप में पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। पूरे देश में डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे, इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर OPD पूरी तरह से बंद रही, जिसका असर देखने को मिला यूपी में। गोरखपुर, कानपुर, हापुड़, रायबरेली, बागपत, लखनऊ, आगरा, हर जगह डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। देखिए रिपोर्ट। देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज बेहाल रहे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसकी हत्या के विरोध में देश भर में डॉक्टर अपना विरोध जता रहे हैं। इसी कड़ी में डॉक्टरों ने देशव्यापी हड़ताल की। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई महानगरों में डॉक्टर हड़ताल पर रहे और मरीज बेहाल रहे। यूपी में भी डॉक्टरों की हड़ताल का बड़ा असर दिखाई दिया। गोरखपुर, कानपुर, हापुड़, रायबरेली, बागपत, लखनऊ, आगरा, हर जगह डॉक्टरों की हड़ताल के चलते OPD सेवा प्रभावित रही। डॉक्टर की सुरक्षा और पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले बात गोरखपुर की करते हैं। गोरखपुर में भी अस्पतालों में OPD बंद रही। गोरखपुर में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरह से कोलकाता में घटना हुई है और वहां की सरकार लीपापोती कर रही है, इससे उम्मीद कम ही है कि पीड़िता को न्याय मिलेगा, लेकिन हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उसके बाद ये सब होने के बावजूद और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग कुछ मांगे ना करें, ये तो गलत फहमी है ना? तो जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी हड़ताल जारी रहे। हाँ बिल्कुल, जो हुआ वो गलत हुआ और हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। और वहाँ 700 लोग नहीं थे, 7000 के आसपास लोग थे और ये जस्ट एक केस की तरह नहीं देखना चाहिए कि मदर ऑफ डेथ इज अ डीप नेक्सस, तो उसको पूरा एक्सपोज करना चाहिए, सही इंक्वायरी होनी चाहिए। बात प्रयागराज की करते हैं। IMA के आह्वान पर डॉक्टर्स की हड़ताल का प्रयागराज में भी खासा असर देखने को मिला है। अस्पतालों में पहुंचे मरीजों को इलाज नहीं मिल पाया। हॉस्पिटल में OPD सेवा ठप रहने से मरीज पूरी तरह से बेहाल रहे, बगैर इलाज के मायूस होकर मरीजों और उनके तीमारदारों को वापस लौटना पड़ा।
आखिर ये पता चल रहा है कि ये जो हड़ताल चल रही है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हम लोगों को। यहाँ पर्चा नहीं कट रहा है, डॉक्टर्स जो है पेशेंट को नहीं देख रहे हैं और पेशेंट हमारा जो है बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। बात कानपुर की जाए तो कानपुर में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला, जहाँ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने हड़ताल के चलते ओपीडी को बंद रखा, वहीं हड़ताल के चलते मेडिकल सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित रहीं। अस्पताल में मरीज और उनके तीमारदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी सुरक्षा की गारंटी लेकर कोई भरोसा नहीं मिलेगा, तब तक उनकी हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। इस हड़ताल का पार्ट बन गई, आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स ने आज पूरे तरीके से ओपीडी को ठप किया है और आप इनके साथ पैरामेडिकल स्टाफ है, इनके नर्सेज हैं, पूरा स्टाफ मौजूद है। उनका कहना है कि हम अगर सिक्योर नहीं है तो हम सेवाएं अपनी कैसे दें, और ऐसे में डॉक्टर्स जहां एक और डेलीगेशन डॉक्टर्स का आज प्रोटेस्ट करा मार्च निकाला। सर से सर कब तक आखिर जारी रहेगा ये इंडेफिनाइट स्ट्राइक? है पैन इंडिया चल रही है, जब तक हमें नहीं लगता कि जस्टिस मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है, तब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी। बात बरेली की करें तो बरेली में मेडिकल कॉलेज में सभी डॉक्टरों ने मीटिंग कर कोलकाता की घटना पर रोष जताया। मेडिकल कॉलेज के इंटर्न, जूनियर रेजिडेंट, रेजिडेंट फैकल्टी के साथ एमबीबीएस और पीजी के स्टूडेंट ने भी विरोध प्रदर्शन किया। बैनर पोस्टर के साथ सभी मेन रिसेप्शन पर जमा हो गए। सभी डॉक्टरों को समुचित सुरक्षा देने की मांग की गई है। आईएमएस सेक्रेटरी डॉक्टर का कहना है कि डॉक्टरों के इस प्रोटेस्ट को बल मिलेगा, हमारी मांग सिर्फ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की है। यंग जूनियर डॉक्टर्स ये हमारे हाथ पैर हैं, वो लड़ रहे हैं, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अपनी सेफ्टी के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है उनको सपोर्ट करें। तो आइए मैंने एक दिन का जो विड्रॉल ऑफ द सर्विस का कॉल दिया है, उनको उनको जोश मिलेगा और जो हमारी डिमांड है सीपीए की, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट और सेफ्टी एट द वर्क प्लेस, वो हमारी मांग है। बात हापुड़ की जाए तो हापुड़ में भी डॉक्टरों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध के दौरान डॉक्टरों ने कहा कि अगर अपने अस्पताल परिसर में भी डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो कहां पर वो सुरक्षित होंगे। डॉक्टरों ने सड़कों पर नारेबाजी कर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की, साथ ही डॉक्टरों को भी सुरक्षा देने की मांग की है। तो देखिए मेन हमारा मुद्दा सड़कों पे उतरने का बस एक है कि सुरक्षा हर लड़की को, चाहे लड़की डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे टीचर हो, चाहे कुछ भी हो। अब बात कानपुर की जाए तो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के विरोध में कानपुर में भी डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। अकबरपुर से बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने डॉक्टरों की मांग का समर्थन किया और मृतक डॉक्टर बिटिया को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने घटना की निंदा करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार पर भी निशाना साधा। वहीं अगर ताज नगरी आगरा की बात करें तो आगरा में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार का पुतला दहन करने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से पुतला छीन लिया। इसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में हल्की झड़प और धक्का मुक्की भी हो गई। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के विरोध में डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है, वहीं इस पर सियासत भी तेज हो गई है। अब देखना यह है कि डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन कब तक शांत होता है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो डॉक्टर सुरक्षा मांग रहे हैं, डॉक्टर्स न्याय मांग रहे हैं। देश भर के डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से मरीजों की हालात लगातार बिगड़ती गई। अस्पतालों के बाहर बेबस मरीज इलाज के लिए भटकने को मजबूर हो गए। डॉक्टर्स की हड़ताल ने स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। यूपी के साथ ही उत्तराखंड में भी इसका असर देखने को मिला है। देखिए रिपोर्ट। डॉक्टर्स का गुस्सा भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है, जो अपनी जान की हिफाजत के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश में डॉक्टरों की हड़ताल के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था पर अच्छा खासा असर पड़ा है। आईएमए की 24 घंटे की हड़ताल के ऐलान का असर यूपी के भी अस्पतालों में देखने को मिला। यह है लखनऊ का केजीएमयू अस्पताल, जहां डॉक्टरों की हड़ताल जारी रही।
कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के छात्र भी समर्थन के लिए पहुंचे थे। ओपीडी और रूटीन के ऑपरेशन बंद होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। डॉक्टर्स की हड़ताल में लखनऊ के सभी प्राइवेट नर्सिंग अस्पताल भी शामिल रहे। डेंटल एसोसिएशन ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। हड़ताल के चलते सुरक्षा को लेकर केजीएमयू के आसपास भारी संख्या में पीएसी और पुलिस बल तैनात रहा। डॉक्टरों की मांगे वही पुरानी हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ साथ तमाम प्रोटेक्शन एक्ट और दूसरे नियम कानून उनकी सुरक्षा के लिए लागू किए जाएं। राजधानी लखनऊ में तमाम जगहों पर कैंडल मार्च के साथ साथ कई जगह प्रोटेस्ट और बैनर लगातार जारी किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल का असर ताजनगरी आगरा में भी देखने को मिला है। बीते 5 दिन से आगरा के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने विरोध में कैंडल मार्च भी निकाला। एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी बंद होने से मरीज दिखाने के लिए पहुंच रहे तीमारदारों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि यहां मरीजों का पर्चा नहीं बन रहा है। ओपीडी के बाहर हाथ में ड्रिप लगाए महिला मरीज इस आस में लेटी रही कि काश कोई डॉक्टर आ जाए और उसका इलाज कर सके। मरीज की तस्वीर आपको दिखा देते हैं जो ओपीडी के बाहर है, डॉक्टर्स का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पर हैं। यही वजह है, इनको आशा है कि डॉक्टर आएंगे तो हमारा इलाज करेंगे, लेकिन अभी ओपीडी के बाहर ही इंतजार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं आगरा में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पिछले 5 दिन से लगातार जारी है और आज भी हड़ताल है। अब आईएमए के अंतर्गत जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वह भी हड़ताल कर रहे हैं। कोलकाता कांड के विरोध में डॉक्टर्स की हड़ताल बागपत में भी जारी रही। डॉक्टर्स ने जुलूस निकालकर महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत और हत्या का विरोध जताया। साथ ही डॉक्टरों ने सरकार से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के साथ ही आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। जो कलकत्ता की बेटी है जिसका बर्बरता के साथ में रेप किया गया, फिर मर्डर किया गया। देखिए, बहू बेटियां सबके घर में होती हैं और उसी के अनुसार हमारी मांग है कि हत्यारों को अतिशीघ्र फांसी दी जाए और कानून का राज वेस्ट बंगाल में और पूरे भारत में लागू किया जाए। डॉक्टर्स की हड़ताल के साथ ही रायबरेली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका और हैवानों को सख्त से सख्त सजा की मांग की। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने डिग्री कॉलेज चौराहे पर विरोध प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। ममता दीदी द्वारा प्रेरित कलकत्ता पुलिस ने सुसाइड बताया, केस को गुमराह करने की कोशिश की गई। जब आम जनता का, जनमानस का दबाव उन पे पड़ा, तब ये बात बाहर निकल के आई कि वो एक सुसाइड नहीं, मर्डर था। वहीं ऋषिकेश एम्स में भी रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। हड़ताल को आउटसोर्स कर्मचारी के साथ 2000 नर्सिंग स्टाफ का भी समर्थन मिल रहा है। हालांकि एम्स ऋषिकेश में ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं जारी हैं, फिर भी मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों जो भी घटना हुई कोलकाता में हुई, उनके अपराधियों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश करके उनको जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा दी जाए। और दूसरा, जो सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट है उसको संसद में दोनों सदनों में जल्दी से जल्दी पारित करके धरातल पर लागू किया जाए, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़े। दिक्कत ये आई कि हम लोग पूरे रात का सफ़र करके आए, इसने अपनी छुट्टी ली, अब हम फिर दोबारा जा रहे हैं, फिर इसको फ्राइडे को बुलाया है, तो थोड़ी यही दिक्कत आती है ना। फिर मैं भी अब जाऊँगी, फिर इसको साथ आऊँगी। एक अटेंडेंट तो चाहिए होता है ना। स्ट्राइक है, सही है, लेकिन उसके साथ में कुछ तो साथ में होना चाहिए। उधर मसूरी में डॉक्टर्स ने घंटा घर चौक पर विरोध रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। और सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा देने की मांग की। इधर हड़ताल के चलते मसूरी में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कि बहुत ही भयानक और बहुत ही शर्मनाक एक हादसा हुआ है, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था और आगे भविष्य में भी नहीं होना चाहिए। और हमें
सरकार से उम्मीद है कि वो दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे, पकड़े, उन्हें सजा दे, क्योंकि केवल एक रेप या एक किलिंग नहीं थी, एक ब्रूटल किलिंग थी। इस तरह की हमारे भी छोटे बच्चे हैं, कल की डेट में वो भी कॉलेजेस जाएंगे, तो हम कैसे उन्हें भेजें सर? मतलब वो पेशेंट्स के लिए, इसके लिए अपने घर को त्याग के बाहर निकलते हैं और उनके साथ ये होता है, तो इसके तो हम बिल्कुल विरुद्ध हैं। और आज की तो ओपीडी नहीं हो रही है इस तरह से, तो हमें लगता है कि बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। कोलकाता के माथे पर कलंक लगाने वाली इस घटना के विरोध में हड़ताल पर गए डॉक्टर्स अपनी मांग पर अड़े हैं। अब सबकी उम्मीद सरकार से है कि वो डॉक्टर्स की हड़ताल जल्द से जल्द खत्म करवाए, ताकि मरीजों को समय रहते इलाज मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।